सनातन धर्म को मानने वालों में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें सुबह और शाम भगवान की पूजा ना होती हो और आरती ना की जाती हो। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या होती है भगवान की आरती, क्यों की जाती है भगवान की आरती, कुल कितने प्रकार की होती है भगवान की आरती, और क्या है भगवान की आरती करने और लेने के पीछे का रहस्य व महत्व, और क्या है भगवान की आरती करने की सही विधि व तरीका, अर्थात भगवान की आरती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। नमस्कार और स्वागत है बीएल ज्ञान के इस एक और आध्यात्मिक और रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो में। आरती शब्द संस्कृत के आरतिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, कलेश। भगवान की आरती को नीराजन भी कहते हैं। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, और आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो प्रमुख कारण, दो प्रमुख भाव बतलाए गए हैं। पहला भाव, आरती या नीराजन में दीपक की लो को देवता के समक्ष अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और श्री अंग की कांति की जगमगाट का दर्शन करके आनंदित हो सकें और उस छवि को अच्छी तरह से निहार कर हृदय में स्थित कर सकें। इसीलिए आरती को नीराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लो से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। दूसरे भाव के अनुसार, आरती के द्वारा साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लो से विनष्ट कर देता है। भगवान की रूप माधुरी अप्रीतम होती है। जब भक्त उन्हें एक तक निहारता है तो उन्हें नजर भी लग जाती है। आरती के दीपक की लो से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं, उसके भी दो भाव बतलाए गए हैं। पहला, जिस दीपक की लो ने हमें अपने आराध्य के नख सिक्के इतने सुंदर दर्शन कराए, उसकी हम बलैया लेते हैं और उन्हें सिर पर धारण करते हैं। दूसरा, जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शास्त्रों में आरती के प्रकार और समय भी बतलाया गया है। पहली आरती होती है मंगल आरती, जिसका समय होता है प्रातः 6 बजे। दूसरी आरती होती है पूजा आरती, जिसका समय होता है प्रातः 6:30। तीसरी आरती होती है श्रृंगार आरती, जिसका समय होता है प्रातः 7:30। चौथी आरती होती है भोग आरती, जिसका समय होता है प्रातः 10:30। पांचवी आरती होती है धूप आरती, जिसका समय होता है दोपहर 12 बजे। और शाम की आरती होती है संध्या आरती, जो कि समय है 7:15। और सातवीं आरती होती है शयन आरती, 8:30 पर। शास्त्रों में भगवान की आरती करने का सही तरीका, सही विधि भी बताई गई है। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर व 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा अपने भक्तजनों पर जल छोड़ दें, फिर मन से ही ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।